हेलो गाइस, मैं आया हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए पढ़ते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि शाओमी मी 11 प्रो की कुछ लीक्स और नए डिज़ाइन। जिसका न्यू लीक्स और नए डिज़ाइन आए हैं ऑनलाइन। तो शाओमी ने 11 प्रो जो है वो स्पॉट हुआ है वीवो के एक वेबसाइट पे, जिसका एस डब्ल्यू ई आई बी ओ। उस वेबसाइट पे ऑफिशियली पोस्टर की एक झलक आपको देखने को मिली है। जैसे कि आपको पता है कि मी 11 जो है वो दिसंबर की 28 तारीख को ही लॉन्च हो गया था, लेकिन प्रो वेरिएंट का अभी तक कुछ भी पता नहीं था कि आएगा कि भी नहीं आएगा। लेकिन अब माना जा रहा है और रूमर्स ऐसी आई है कि मी 11 प्रो एग्जिस्ट करता है और वो स्प्रिंग के फेस्टिवल में फरवरी 12 या 13 को करीब करीब लॉन्च हो जाएगा। और माई ड्राइवर्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मी 11 प्रो में दो कलर के साथ फ़ोन आ सकता है, ब्लू और वाइट। ये ध्यान रहे कि लॉन्च के टाइम वो दो से ज़्यादा भी कलर्स में लॉन्च हो सकता है, लेकिन अभी के लिए बताया जा रहा है कि वो सिर्फ ब्लू और वाइट में आ रहा है। जी हाँ गाइस, और रेंडर्स में जो इमेज आई है वो 11 प्रो में ये इंडिकेट करती है कि पीछे क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसका रेक्टेंगल का मॉड्यूल है और इसमें एक पेरिस्कोप लेंस भी है। और उसमें ये माना जा रहा है 120 टाइम्स का जूम है और 2K की क्वाड HD डिस्प्ले के साथ आ रहा है, जो कि मी 11 में भी आपको देखने को मिली थी। सो या गाइस, वो चीज़ है। और मी 11 प्रो में बस यही डिफरेंस है कि आपको मी 11 प्रो में 108 मेगापिक्सल का कैमरा तो देखने को मिलता ही है, लेकिन उस जैसे मी 11 में 888 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर था, वो भी आपको मी 11 प्रो में देखने को मिलता है, लेकिन जो उसकी बैटरी है मी 11 प्रो की वो मी 11 से ज़्यादा है। मी 11 प्रो में आपको मिलती है 4970 mAh की बैटरी, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। और मी 11 में आपको मिलती है 4600 mAh की बैटरी। जी हाँ गाइस, तो ये चीज़ वो है। और या बस यही है। बस यही है इसी वीडियो में, बस इतना ही। और मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, पीस।